अल्फा कैटल शो के अंदर हम बर्ड फैक्ट्री के स्टॉल पे मौजूद हैं। जासिर साहब हमारे साथ हैं। जासिर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। क्या काम है आपका, क्या यहाँ पे शो कर रहे हैं? यहाँ पे हमने बर्ड्स की तमाम वैरायटी शो करी है। बर्ड की जितनी म्यूटेशंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनकी जितनी म्यूटेशंस हैं वो हमने डिस्प्ले किए। और ये डिस्प्ले सेंटर हमने बनाया अपने बर्ड्स फार्म का, जिसका नाम हमने रखा हुआ है बर्ड फैक्ट्री। और हमारी लोकेशन है नॉर्थ कराची की। तो आप दिखा सकते हैं कि पीछे जावा लगी हुई है, जावा के कलर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डव की तमाम म्यूटेशंस डिस्प्ले हुई हैं, लवबर्ड्स की तमाम म्यूटेशंस कलर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। पीछे की तरफ आपको फिंचेस, इसकी बैकड्रॉप हमारी है वॉल, यहाँ पे फिंचेस की वैरायटी डिस्प्ले है, बजरीज की वैरायटी डिस्प्ले है। और ख़ास तौर से यहाँ पे हम काउंसलिंग करें लोगों की, जो लोग घरों में काम करना चाहते हैं या हाउस वाइफ हैं या जो लेडीज़ हैं जो घर से नहीं कर सकती, वो इस काम को कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ प्रॉपर काउंसलिंग कर रहे हैं, बर्ड्स भी सेल कर रहे हैं, मेडिकेशन के हवाले से भी, बर्ड कीपिंग के हवाले से भी, सारी नॉलेज यहाँ दे रहे हैं लोगों को। कराची में आमतौर पे जो घर हैं वो छोटे होते हैं, गुंजान आबादी के अंदर होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, तो क्या उधर ये परिंदे पाले जा सकते हैं? बिल्कुल, ये परिंदे पाले जा सकते हैं। हमने ज़्यादातर बर्ड्स यहाँ वही डिस्प्ले किए हैं जो कि आप अपनी बेल्कनी में रख सकते हैं, अपने किसी स्टोर रूम में रख सकते हैं, या आपका कोई स्पेयर रूम हो वहाँ रख सकते हैं, या फिर आपके पास छत अवेलेबल हो वहाँ रख सकते हैं। अच्छा, दूसरे ये कि एक बड़ा मसला होता है कि उनकी जो वैक्सीनेशन वगैरह का या दीगर खुराक का बड़ा इशू होता है, तो उसके हवाले से भी आप गाइड करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, 100% हम इस तरह से गाइड कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्ड्स फुली वैक्सीनेटेड हैं, और जो प्रोसीजर्स या जो क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं, हम वो यहाँ जो न्यू फेंसेज आ रहे हैं उनको प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं। इसमें मुनाफा कितना हो पाता है, क्या ये मतलब एक मिथ ही है कि यार बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है या बस एक गुजारे लायक ही? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इंडस्ट्री है, प्रॉपर इंडस्ट्री है, ये कॉटेज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और ये इसीलिए ग्रो कर रही है क्योंकि इसमें मुनाफा है, और इसमें हम सब हैं। और मुझे बहुत सारे स्टॉल्स आपने देखे, तो ये प्रॉपरली हम यहाँ बिजनेस अर्न कर रहे हैं, साइड बिजनेस भी कह सकते हैं और प्रॉपर एक फुल टाइम बिजनेस भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरे ये कि ये जितनी बर्ड्स हैं ये कराची के इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर लेती हैं, उसमें रह लेती हैं? 100% ये आप जितने बर्ड देख रहे हैं ये सारे हमारे अपनी होम ब्रीड है, हमारा फार्म कराची में है और ये सब हमारी होम ब्रीड है। थैंक यू वेरी मच। Thank you.